ये तो गलत बिल्ली गलत लाए हैं ये। केजरीवाल की खुद की 2024 के तहत जमानत जब्त हो जाएगी। हम सभी देख ही रहे थे और देश की संसद में 331 राज्यसभा से बिल को पारित हुआ कि विपक्ष को सूझ नहीं रहा, दिख नहीं रहा कि हम क्या करें, किस चोर से गठबंधन करें, किस गुंडा से गठबंधन करें। क्या लगता है आपको क्या बात है? जरा हम कैमरामैन से बोलेंगे कि इधर जूम करके दिखाएं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सात्विक उपाध्याय। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पे। ऐसे में पिछले दिन ही दिल्ली के लोकसभा में और बीते दिन राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल जो है, यानी कि दिल्ली सर्विस जो विधेयक है, उसको पारित किया गया है। तो ऐसे में हम यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली की जनता से राय लेंगे कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर, इस बात को लेकर। क्या नाम है आपका? स्वामी भाटिया। क्या करते हैं आप? बिजनेस है मेरा, छोटा बिजनेस करते हैं। तो ये बताइए कि दिल्ली में अभी हाल ही पिछले दिन ही राज्यसभा में जो विधेयक पारित किया गया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये बिल सही है या गलत है? ये तो गलत बिल ही गलत लाए हैं। ये तो इनकी चोर के जारी छुपाने के लिए, इनके जो इन्होंने कुकर्म किए उनको छुपाने के लिए ये बिल लाएंगे। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में वो सरकार ने पास करा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो क्या लगता है आपको कि जो ये विपक्ष जो है, ये कड़ी तरीके से इसका विरोध कर रही है, ये सही है या गलत है? विरोध तो गलत है, लेकिन उनको क्या करें, उनकी मजबूरी है केजरीवाल को साथ लाना, क्योंकि गठबंधन बड़ा करना है तो साथ लाना। और नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर आपका क्या कहना है? ये हारे पड़े, कई बार हारे फिर हारे। मोदी जी के आगे कुछ नहीं चलेगा, इनका 2024 भी नहीं चलेगा, 29 भी नहीं चलेगा, ये सब खेल है। और भी लोगों से हम जानते हैं क्या है जो दिल्ली विधेयक लाया गया है सिवाय, ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहना है, ये विगत मूल्य की बारात है। श्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी कुछ नहीं है, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। लेकिन विपक्ष कह रही है कि ये जो बिल पास पारित किया गया है, ये एक तरीके से केजरीवाल का भी हाल ही में बयान है, उन्होंने कहा कि बैकडोर एंट्री लेने की कोशिश कर रही है केंद्र दिल्ली में, क्या है इसके, इस पे क्या कहना है? केजरीवाल की खुद की 2024 के तहत जमानत जब्त हो जाएगी, उससे खुद को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार है वो इतने बड़े और झूठे इतने बड़े पुलंदे हैं वो। अपने बच्चों की कसम खा के जो आदमी अपने बंगला बना लिया, गाड़ी ले ली, स्कूटी ले ली, पहले तो सबको कहा था मैंने भी इसको वोट दिया था, आम आदमी पार्टी समझ के मैंने भी इसको वोट दिया था जी, मगर अब नहीं, अब तो श्री मोदी और योगी बस, अब नहीं श्री भगवा। 2024 में ऐसा भगवा फैलेगा तो चारों में विपक्ष की दुनिया देखेगी, ऐसा भगवा। अरे कह रहे हैं कि राहुल गांधी की घर वापसी हुई है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? राहुल गांधी घर वापसी हुई है, मगर वो लोग कह रहे हैं कि मजबूत हुई है अलायंस। अरे घर वापसी तो उनकी जरूर हुई है, ये अच्छी बात है, होनी चाहिए उनकी हुई, मगर 2024 के सपने जो देख रहे हैं ना, ये सपने उनके टूट के सामने नहीं बन सकते। आपका क्या कहना है? देखिए, क्या नाम है आपका? वीके पोतार। कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से क्या कहना है इस विधेयक को लेकर? इस विधेयक को लेकर मैं आपको कुछ दिन, जब दिल्ली बाढ़ से त्रस्त थी और पंजाब के मुख्यमंत्री को ड्राइवर बना के पूरे देश में भ्रमण करने का काम केजरीवाल ने किया था और हर एक नेता के पास गया था कि ये सेमीफाइनल होगा, राज्यसभा में सेमीफाइनल होगा, और एक बड़ा बवंडर तैयार किया गया था कि इस बार सेमीफाइनल में हम भाजपा को रोक देंगे और 2024 से पहले सबसे बड़ा एक सेमीफाइनल होगा, इस सेमीफाइनल में भाजपा खत्म और 24 में बिल्कुल साफ हो जाएगी। और देश की जनता देख ही रही थी टीवी पे, हम सभी देख ही रहे थे और देश की संसद में 331 राज्यसभा से बिल को पारित हुआ और पास हुआ और नौके मुख केजरीवाल को लात खानी पड़ी और ये देश की जनता, देश के उस मंदिर का उसको जवाब है। जो विपक्ष जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, अविश्वास प्रस्ताव, वो उसको लेकर काफी मजबूत दिख रही है, उसको लेकर क्या कहना है? 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था, 2014 में 303 सीटें आई थी और 2018 में जब इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव डाला था, उसके बाद 2019 में 353 सीटें आई थी और अब 2023 में इन्होंने दोबारा डाला है। और मोदी जी ने कही थी कि आप 23 में तैयारी करना, लेकिन ये तैयारी नहीं करके आ पाए। और 2019 में जब इन्होंने डाला था तो 353 सीटें आई थी, अब इस बार 400 प्लस पार आएगी और इसको रोकने वाला नहीं। ये जो INDA कह रहे हैं ना भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंडिया केवल, इनको मैं डेफिनेशन अगर करूँ तो ये केवल आई में, इंडिया में दो शब्द आई हैं और इंडिया, पता है कांग्रेस अपने आई की चिंता में, मतलब राहुल गांधी के चिंता में,
बिहार में चले जाइए। आरजेडी को अपने आय की चिंता है, तेजस्वी यादव को चिंता है, और जेडीयू को अपने आय की चिंता है, उसको नीतीश कुमार को सत्ता पर बिठाना है। बंगाल में ममता को अपने आय की चिंता है, केवल आई की चिंता है, और बचता एनडीए है। एनडीए 400 प्लस पर है। क्या लगता है आपको, क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? राजेश रंजन, ऑटो वाला। ऑटो वाला, क्या कर, क्या लगता है आपको, जो ये बिल पारित किया गया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, ये सही है गलत है, क्या है आपका? असल में मोदी जी ने अपने कूटनीतिक से पूरे दुनिया को जो है सो दिखा दिया कि भारत का कूटनीति किया है, और अंदरूनी कूटनीतिक में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को ऐसा दिमाग खराब कर रखा अपने विकास कार्यों से कि विपक्ष को सूझ नहीं रहा, दिख नहीं रहा कि हम क्या करें, किस चोर से गठबंधन करें, किस गुंडा से गठबंधन करें, मोदी को हराने के लिए क्या करें क्या नहीं, इनको कुछ सूझ नहीं रहा। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, समझ रही है कि आखिर मोदी जी आज इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, और केजरीवाल समेत कांग्रेस दोनों ही बेनकाब हो गया है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह अपने पुरखों के नाम पे नेहरू इंदिरा के नाम पे जनता के बीच जाकर वोट मांगा करते थे, आज उसी पुरखों की बात को दरकिनार कर, क्योंकि नेहरू जी ने कहा था कि दिल्ली को ये सब चीज संभव नहीं है जो अभी केजरीवाल कह रहा है, ये नेहरू ने कह दिया था कि दिल्ली कभी पूर्ण राज नहीं मिल सकता, जो पोस्टिंग ट्रांसफर का मामला है वो केंद्र के अधीन ही रहेगा। आज कांग्रेस ने अपने पुरखों के बनाए नियम के इतर भ्रष्टाचारी केजरीवाल जो आम आदमी का वेशभूषा में चोला पहनकर शीश महल के नवाब बन गया, मैं उस फर्जीवाल जिसको आप लोग केजरीवाल कहते हैं, मैं उसी फर्जीवाल की बात कर रहा हूँ। अब ये फर्जीवाल बिल्कुल पूरी तरह से दिल्ली में बेनकाब हो गया है। केजरीवाल को हम लोग ऑटो वाले ने, देखिए सब पढ़े लिखे हो चाहे मजदूर हो, इसके झांसे में लोग कहते हैं केजरीवाल बहुत काम किया है, हम बता रहे हैं, आप जो सवाल कीजिएगा मैं सब बिना सवाल किए आपका सब जवाब दे रहा हूँ। केजरीवाल एक नया प्रोडक्ट लाया था, ये इसने कंजे को भी कंघी बेच दिया, जिसके झांसे में सब आ गया। अब कई लोग कहता भाई दो बार कैसे जीत गया, दो बार का भी जवाब देता हूँ, दोबारा इसलिए जीत गया कि पहली बार में इसने थोड़ा रंग पेंट कर दिया था, स्कूल में बेंचों की सुविधा बढ़ा दी थी, लोगों ने सोचा शायद अब स्कूल बनाएगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। पूरे कार्यकाल में 9 साल के कार्यकाल में दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया, और लोग अब समझ चुके हैं कि बहानेबाज है, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता है। और यह जो बिल लाया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस यथास्थिति को बनाए रखने के लिए स्थायी रूप से केंद्र को अधिकार है कि इस पे कानून बना सकती है, जबकि इसको केवल ये कहा था ठीक है अभी आप करिए जैसे कर रहा है, कोर्ट का सिर्फ इतना आदेश होने पर ही विजिलेंस के जो विभाग है उन अधिकारियों को फौरन जाके इतने हड़बड़ाहट में जाके उनको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, ताकि उस विजिलेंस में जो अध्यादेश के खिलाफ या संसद में लेकर आया खिलाफ वो पास हो गया, ये दिल्ली के हित में है। आप खुश हैं कि नहीं इससे? हम खुश हैं, पूरी दिल्ली की जनता खुश है कि दिल्ली के हक में ये है जो बिल पास हुआ। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? नरेंद्र नायक। नरेंद्र नायक, नरेंद्र मोदी से आपका जुड़ा हुआ नाम है, क्या लगता है आपको, क्या बात है? जरा हम कैमरामैन से बोलेंगे कि इधर जूम करके दिखाएं, नरेंद्र मोदी क्या लगता है आपको? गाड़ी भी मिलती है क्या, मतलब बताइए क्या, जो विधेयक लाया गया है ये आपको सही लगता है गलत लगता है? ऐसा है, मेरी बात सुनिए, बरसात है, बदबू होती है, आती भी है, बरसात के चक्कर में छतरी भी आती है, तो मोदी जी हमारी छतरी है, ये गंदी बरसातें हैं, छतरी है मोदी जी हमारे लिए, बस इतना ही बोलूंगा। ये मोदी जी ये छोटी मोटी चीज नहीं है जो आप सोच रहे हैं। विपक्ष फड़फड़ा रही है, बयानबाजी कर रही है, कह रही है कि जो मोदी ये विधेयक आया इसके थ्रू मोदी सरकार जो है वो बैकडोर एंट्री लाने की कोशिश कर रही है, क्या है? ये सब्जी है छोटी छोटी, ये मिक्स सब्जी है, मिक्स वेज होता है ना, जो मिक्स वेज सब्जी है, सही है, मिक्स वेज सब्जी है। मोदी जी पता क्या है, पनीर है, दूध का बना हुआ पेवर है। आपका क्या लगता है, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? यूपी से हैं। क्या लगता है जो विधेयक पारित किया गया है, केजरीवाल मजबूत कि मोदी मजबूत? अरे मोदी मजबूत, केजरीवाल तो दिल्ली को लूट लिया, फिर करके सब दिल्ली डुबा दिया। दिल्ली डुबा दिया, देखो ना, ये मुना जब
बाढ़ आविष्कार हो गया दिल्ली का। राहुल गांधी की जो घर वापसी हुई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? उनका क्या है, कभी बोलते हैं अमेरिका में जाके इंडिया खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये सब बोलते हैं उल्टा सीधा। विपक्ष बोल रही है कि मजबूत हुआ है लैंड। आलू में सोना उगाते हैं, बताओ आलू लाओ भाई सोना निकालो उसमें से, तब हम मानेंगे ना? तो ही नहीं होता। नाम है आपका? क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हैं, सोशल वर्कर भी। ये बताइए कि जो दिल्ली में ये विधेयक पारित किया गया, राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में पारित किया गया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जो हुआ वो अच्छा हुआ, बिल पास हो गया, बहुत अच्छा हुआ, जनता के हित में हुआ है। जनता के हित में हुआ है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जो सरकार है वो उलूल जुलूल काम कर रही है और पीछे से आने की कोशिश कर रही है। जनता क्या कहती है और केजरीवाल क्या कहते हैं, दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। उनको चाहिए कि जितना आपने सुना होगा कि कुछ साल पहले कहानी बन गई थी उनका, जो भी IAS होता है उनके घर पर जा करके काम करता है और रात में जब IAS की बात पसंद नहीं आती है तो उसकी पिटाई कराई जाती है जी। है ना, तो वो यही चाहते हैं कि उनके अंडर में ये आज़ाद देश में भी एक IAS जो पढ़ करके आता है उतना कोई खुद भी पढ़ के नहीं जाता है, एक यहाँ का मंत्री भी उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है जितना हमारे यहाँ के IAS होता है, तो उसकी इज्जत वह होती है कि घर में बुलाकर आप सकते हो, आप जहाँ चाहो वहाँ उसको ट्रांसफर कर देते हो अपनी मन मर्जी से। तो हमारे केजरीवाल जी यही चाह रहे थे कि हम अपनी मर्जी से अपने IAS का इधर से उधर ट्रांसफर करें, जिस पर रोक लग गया है जो LG के अंदर में आ गया है, तो इसमें क्या बुरा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, जब तक ये पूर्ण राज्य नहीं है तब तक उनको मिलकर काम करना चाहिए। दूसरी बात की देश का ये जो है भविष्य है, ये आईना है, दिल्ली क्या है देश का भविष्य है, देश का आईना है, इससे पूरे राष्ट्र में पूरे देश में इसका मैसेज आता है, तो यहाँ कोई भी अनैतिक काम स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे केजरीवाल जी दुर्भाग्यवश हमारे मुख्यमंत्री हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या कहें, वो पढ़े लिखे IIT किए हुए हैं और जब से हुए हैं उसके बाद से उनका सारा मंत्री सब जेल में जा रहा है। सत्येंद्र जैन को देखा, मनोज सिसोदिया जी को देखिए, ये लोग जेल काट रहे हैं, आखिर क्यों? जेल में कोई ऐसे तो नहीं चला जाता है इतने बड़े मंत्री को जेल में ले जाने के लिए। केजरीवाल कहते थे कि जोड़ तोड़ की राजनीति उनको पसंद नहीं थी, ऐसे में अलायंस जो बना है इंडिया उसको लेकर क्या कहना है? आप सोचिए ना कि जो आदमी यह कह कर आया, कितना बड़ा हम लोगों के साथ एक मासूम इंसान को कैसे उन्होंने छला, कि जो लोग कांग्रेस और BJP दोनों से नाराज थे तो एक तीसरा विकल्प ढूंढा कि ये राजनीतिक छवि अच्छा करने के लिए आए हैं, बहुत पढ़े लिखे नेता, लेकिन ये आकर के उससे भी गंदा काम थे। ये जब आए थे तो हम लोग मतलब आम जनता शीला दीक्षित से नाराज थे, ये घोटाले की सरकार थी, शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे, किसको जेल में भेजें, उन्होंने बच्चों की कसम खाई, उन्होंने कहा कि हम VIP कल्चर को समाप्त करेंगे, क्या VIP कल्चर समाप्त हो गया? दो दो करोड़ का, पाँच पाँच करोड़ का जब पर्दा लगाते ही VIP कल्चर समाप्त हुआ है इससे, तो आप क्या कहोगे? ये लोग ऐसे जब उनको काम नहीं करना होता है तो कहते हैं सेंटर ने उनको रोक दिया, सेंटर नहीं करने देता, और जब अपना महल बना रहे थे तो सेंटर ने उसने हस्तक्षेप नहीं किया। अब जब वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास लेवल का स्कूल बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं, और सच पूछिए तो इतने सालों में 10 साल में उन्होंने एक स्कूल नहीं बनवाया, एक कॉलेज नहीं बनवाया, एक नया हॉस्पिटल नहीं बनवाया, और दावा करते हैं कि बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं कराते सरकारी स्कूल में? यदि इतना अच्छा है तो सिसोदिया के बच्चे को पढ़ना चाहिए, सत्येंद्र जैन के बच्चे को पढ़ना चाहिए, उनके खुद के बच्चे, इनके बच्चे विदेश क्यों जाते हैं? वर्ल्ड क्लास का स्कूल यहीं पर है, मिलना चाहिए ना उनको, यहाँ पढ़ाना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसकी सरकार? लगता क्या है, निसंदेह कि मोदी जी आएंगे। कितने सीट के साथ? बिल्कुल मोदी जी आएंगे। कितने सीट के साथ? सीट 400। 400 और क्या, रिकॉर्ड टूटेगा 350 से काफी ऊपर, वेल एकदम आप याद रख ले 350 तो ऊपर है, यानी 400 हमारा लक्ष्य है, कम से कम 400 का लक्ष्य है। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा राहुल। राहुल नाम है, कहाँ से है? दिल्ली से ही है। क्या लगता है आपको कि जो ये विधेयक लाया गया है वो सही है कि नहीं? मोदी बढ़िया है। मोदी बढ़िया है, मतलब मोदी बढ़िया है तो विधेयक बढ़िया है, जो मोदी वो सही है? सही है, बढ़िया। क्या लगता है आप, क्या नाम है आपका? अशोक सिंह। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। कितने दिन से दिल्ली में रह रहे हैं? हो गया दो तीन महीने। माहौल देख कर क्या लगता है? माहौल देख करके माहौल का कुछ नहीं होने वाला, वो जो होगा वही होगा, और ये होगा ये कि मोदी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो राज्यसभा में विधेयक पारित किया गया है
दिल्ली सेवा सर्विस का, उसको लेकर क्या कहना है आपको? चाहिए, दिल्ली खुद एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, तो यहाँ का डिसीजन यूटी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, उसमें बायस कोई डिसीजन नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कमेटी बनाया, कमेटी में जो डिसीजन होगा वो तो कुछ लोगों के मतलब जो होगा 10 लोग 8 लोग की कमेटी होगी, उसके अनुसार फैसला होगा। केजरीवाल को ये बात पच नहीं रही है कि उनको तो कहाँ से पचेगी, वो तो चाहते थे कि भाई वो तो ये भी कर लोकतंत्र काला हो गया। मैं अगर सीएम हूँ तो सारे डिसीजन मेरे ही होने चाहिए, उनको तो ये ध्यान ही नहीं है कि यूटी भी है दिल्ली। और केजरीवाल मुँह पे काला लग गया, कालिक लग गया। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ मौजूद जनता ने बताया कि क्या लगता है कि जो विधेयक पारित किया गया वो सही है कि नहीं, तो इस प्रकार की और भी रोचक जानकारी जो है हम उदय इंडिया के दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे, और भी रोचक जानकारी के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।